नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास की प्रमुख कृतियों के बारे में जानेंगे। इनकी 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है। उन 12 प्रामाणिक रचनाओं का आज हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनकी सर्व प्रमुख काव्य रचना है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास की कीर्ति का आधार स्तंभ है। तो हम रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है। इस कृति की कथा वस्तु के लिए उन्होंने नाना निगमों, आगमों और पुराण आदि में उपलब्ध राम कथा का आश्रय लिया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कथा वस्तु को 7 कांडों, उन 7 कांडों के नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में विभाजित की है। अधिकांश विद्वानों ने रामचरितमानस को हिंदी का उत्कृष्टतम गौरव ग्रंथ और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें भारतीय जनजीवन और भारतीय संस्कृति के लगभग सभी पक्षों की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। यह रचना अवधि भाषा में रचित है और इसमें मुख्यतः दोहा व चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है और इसका काव्य रूप महाकाव्य है। यानी जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, तो इन सब में इसका काव्य रूप महाकाव्य रूप है। उसके पश्चात रामचरितमानस के पश्चात इनकी दूसरी काव्य रचना आती है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका हिंदी की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी साहित्यिक पत्रिका मानी जाती है। इसमें 279 पद हैं। इसका काव्य रूप मुक्तक काव्य रूप है। सभी आलोचकों ने इस कृति में तुलसीदास की काव्य प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी जी ने इसके पदों की रचना अपने जीवन के अंतिम वर्षों में की थी। इस रचना में तुलसीदास ने अपने उद्धार की कामना से अपना प्रार्थना पत्र राजा राम के दरबार में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अनेक पदों में सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान आदि से यह निवेदन किया है कि वे उनके विनय पत्र को भगवान राम से स्वीकृति दिलाने में सहायता प्रदान करें, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि श्री राम उनके आग्रह को कभी नहीं ठुकराएंगे। इसमें तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, परंतु कुछ एक पद संस्कृत भाषा में भी रचित है। उसके पश्चात तुलसीदास की अगली प्रमुख काव्य रचना आती है कवितावली। कवितावली की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1631 से लेकर 1680 के मध्य रचे गए पदों को संकलित किया है। यह भी राम कथा के ऊपर आधारित ग्रंथ है। इस रचना को भी कवि ने 7 कांडों में विभक्त किया है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यानी इसके अंदर वही सारे कांड हैं जो इनकी प्रमुख काव्य रचना रामचरितमानस में है। यह रचना गोस्वामी जी की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। कवितावली का शाब्दिक अर्थ होता है कवितों की अवली। इसके अंदर इसका जो काव्य रूप है वो मुक्तक काव्य रूप है। इसके 3 छंद श्री कृष्ण कथा के भ्रमर गीत प्रसंग से भी संबंधित है। कवितावली में कवि तुलसीदास ने उत्तर कांड को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कांड माना है। उत्तर कांड में छंदों की संख्या अन्य 6 कांडों के छंदों की कुल संख्या से भी अधिक है। कवितावली की एक विशेषता यह भी है कि इसके उत्तर कांड में 3 छंद श्री कृष्ण कथा के भ्रमर गीत संबंधी प्रसंग से संबंधित है। इसमें कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
इसके पश्चात इनकी जो अगली काव्य रचना है वो है वैराग्य संदीपनी। अधिकांश विद्वानों ने वैराग्य संदीपनी को गोस्वामी जी की प्रथम कृति स्वीकार किया है। विद्वानों का अनुमान है कि तुलसीदास ने इसकी रचना वैराग्य ग्रहण करने के 2 वर्ष पश्चात की थी। इस कृति में कुल 62 छंद हैं। इन छंदों में राम, सीता और लक्ष्मण की स्तुति के साथ ही भक्ति और निर्गुण भाव का चित्रण हुआ है। इस कृति में तुलसी ने स्वयं को राम का भक्त दिखाया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस कृति के 8वें दोहे से लेकर 33वें दोहे तक संतों के स्वभाव इत्यादि पर प्रकाश डाला है और यह मत प्रकट किया है कि संत महात्मा आदि संतोषी, संयमशील और समदर्शी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कृति के अंत में विनम्रता दर्शाते हुए यह भाव व्यक्त किया है कि कृपा करके सहृदय पाठक मेरी इस वैराग्य संदीपनी में हुई भूलों को सुधार लें। वैराग्य संदीपनी के पश्चात इनकी अगली काव्य रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। इस कृति में शकुन, अपशकुन इत्यादि पर विचार किया गया है। इस कृति में दोहों की कुल संख्या 343 है, यानी यह रचना दोहा छंद में रची हुई रचना है। इस कृति का रचना काल संवत 1629 विक्रमी है, जिसके लिए कवि ने सांकेतिक शैली में लिखा भी है। रामाज्ञा प्रश्नावली के पश्चात तुलसीदास की अगली रचना है रामलला नहचु। यह तुलसीदास की अपेक्षाकृत छोटी रचना है और ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना तुलसीदास ने संवत 1629 के आसपास की थी। इसमें मात्र 20 सोहर छंद हैं। इस रचना में तुलसीदास ने राम के नहचु नामक संस्कार का वर्णन किया है। यह संस्कार प्राय यज्ञोपवीत और विवाह के अवसर पर संपन्न किया जाने वाला संस्कार है, जिसमें नाइन द्वारा यजमान अथवा दुल्हे के नाखून काटे जाते हैं। तुलसीदास ने इस कृति में कौसल्या जी दुल्हा बने राम को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए दिखाया है और वे उनके शीश पर अपने अंचल की छाया कर रही है। इस कृति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि गोस्वामी जी ने नहचु नामक संस्कार का ऐसा वर्णन किया है मानो वे इस उत्सव के प्रत्यक्ष दर्शी हों। इनकी अगली काव्य रचना है जानकी मंगल। जानकी मंगल की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1630 के आसपास की थी। इसमें तुलसीदास जी ने राम और सीता के विवाह का वर्णन किया है। इसमें सीता जी के जन्म से कथा का आरंभ किया गया है। इसमें कवि ने सीता स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए राजाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। स्वयंवर में राम धनुष को भंग कर देते हैं। सीता और उनकी बहनें उर्मिला, मांडवी आदि के साथ लक्ष्मण, भरत आदि का विवाह हो जाता है। बारात के अयोध्या लौटने के साथ यह कृति समाप्त हो जाती है और इसका काव्य रूप खंड काव्य है। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है, ठीक ऐसे ही जानकी मंगल खंड काव्य रूप है। इसके बाद इनकी अगली रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल की रचना संवत 1643 ईस्वी में की गई। इस संबंध में तुलसीदास ने स्वयं एक श्लोक लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्वती मंगल की रचना उन्होंने 1643 ईस्वी में की। इस कृति में तुलसीदास जी ने शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया है और यह अवधी भाषा में लिखा गया खंड काव्य है, यानी इसका काव्य रूप भी, पार्वती मंगल का काव्य रूप भी खंड काव्य रूप है। इस कृति पर कालिदास के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ कुमार संभवम का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। पार्वती मंगल के पश्चात इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचना है कृष्ण गीतावली।
कृष्ण गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और उन्होंने इसमें कुल 62 छंदों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें कवि ने बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाओं का मनोरम चित्रण किया है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण की जिन घटनाओं का अधिक वर्णन किया है उनमें श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के घर मक्खन चुराने, कृष्ण की गोपियों द्वारा यशोदा से शिकायत करने, उसके सामने ब्रज छोड़कर कहीं और चले जाने की धमकी देने और अंत में हार कर यशोदा द्वारा कृष्ण को उखल से बांध देने इत्यादि घटनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कृष्ण गीतावली के पश्चात इनकी अगली काव्य रचना है गीतावली। गीतावली की रचना संवत 1630 से संवत 1670 अर्थात लगभग 40 वर्ष की कालावधि में जिन 238 पदों की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की उन सभी पदों को गीतावली में संकलित किया गया। गीतावली में कवि गोस्वामी तुलसीदास ने गीतों के माध्यम से राम कथा के विभिन्न प्रसंगों, घटनाओं, तथ्यों इत्यादि का वर्णन किया है। रामचरितमानस की कथा वस्तु की भांति गीतावली में भी कुल 7 कांड हैं और इन 7 कांडों का नामकरण भी रामचरितमानस के 7 कांडों के अनुरूप किया गया है। इसके बाल कांड में कुल 110, अयोध्या कांड में कुल 89, अरण्य कांड में कुल 8, किष्किंधा कांड में कुल 2, सुंदर कांड में कुल 51, लंका कांड में कुल 23 और अंत में उत्तर कांड में कुल 38 पद हैं। परंतु इसमें कवि का ध्यान भावाभिव्यंजना की ओर अधिक रहा है जबकि घटना संयोजन की ओर कम। अनेक आलोचकों का मत है कि इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन के अनुरूप या उनका अनुसरण करते हुए श्री राम का बाल वर्णन किया है। गीतावली के पश्चात इनकी अगली काव्य रचना है दोहावली। दोहावली में गोस्वामी जी के स्फुट पदों को या स्फुट दोहों को संग्रहित किया गया है। इन दोहों की रचना तुलसीदास जी ने विभिन्न अवसरों पर की थी, यानी अपने जीवन काल में जो जितने अवसर आए थे उन सभी अवसरों पर इनकी रचना इन्होंने अलग अलग की थी। दोहावली के दोहों में गोस्वामी जी ने अनेक विषयों को विषय वस्तु बनाया है। इस कृति में कुल 573 छंद हैं। इस कृति में मुख्यतया दोहा व सोठा छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें 551 दोहे हैं और शेष बाकी 22 सोठे हैं। परंतु यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि दोहावली में संकलित कुछ दोहे हमें वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और रामचरितमानस में भी देखने को मिलते हैं। दोहावली में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी अगली काव्य रचना है बरवे रामायण। बरवे रामायण में तुलसीदास जी ने उन पदों को संकलित किया जिसकी रचना उन्होंने संवत 1630 से संवत 1680 के मध्य की थी। इसमें कवि ने बरवे छंद का प्रयोग करते हुए राम कथा का वर्णन किया है। रामचरितमानस की तरह बरवे रामायण को भी तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभाजित किया है। कवि ने इसमें राम के सुकुमार रूप का चित्रण किया है। इसी प्रकार वे राम नाम की महिमा का भी सुंदर वर्णन बरवे रामायण में करते हैं। यद्यपि इसमें राम कथा का सर्वांग निरूपण हुआ है परंतु कहा जा सकता है कि इसमें स्वतंत्र रूप से लिखे गए छंदों का एकत्र संकलन होने के कारण वैसी प्रबंधात्मकता का निर्वाह नहीं हुआ जैसा कि रामचरितमानस में हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने 12 काव्य ग्रंथों की रचना की जिसका अलग अलग महत्व है। तुलसी काव्य की प्रमुखतम विशेषता यह है कि उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही उच्च कोटि के हैं और अत्यंत समृद्ध हैं। तुलसी की कविता की पहली विशेषता उसमें वर्णित आदर्श भक्ति भावना है।
निसंदेह तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास ने राम को स्वामी माना है और स्वयं को दास या सेवक कहा है। श्री राम के प्रति उनका प्रेम चातक के समान अनन्य प्रेम है। श्री राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और विश्वास उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में प्रकट किया है। धन्यवाद।